नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा ही चर्चा में रहती है और आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश साथ ही केंद्र सरकार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के व्यवसाय कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम देश प्रदेश की राजनीति साथ ही उनके निजी जीवन से जुड़े हुए भी कुछ चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज की खबर का भी धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल कि आप राजनीति में आए, तीन बार आप निर्विरोध एमएलए चुने गए, तो सबसे पहला आपका उद्देश्य क्या था राजनीति में आने का? जिसमें राजनीति में आए उसमें तो ज़्यादा राजनीति की जानकारी भी नहीं थी जी। मैं 2002 में चुना विधानसभा का, सीधा मुझको संघ की जिम्मेदारी मेरे पास थी, आरएसएस की। पार्टी ने संगठन तय किया, एमएलए का चुनाव मिला, मैं चुनाव नहीं जीता। और जो मैंने संघ में सीखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको भी हमने बचपन से पढ़ा, उनका संकल्प था जो गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनके पैरों में बीमारियाँ हैं, जिनके पास पढ़ाई का साधन नहीं है, जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, झोपड़ पट्टी में रहते हैं, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो, ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, लगातार हम देखते रहे। तो हमको भी लगा शायद कुछ राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद हम करें। तो उसी संकल्प के साथ राजनीतिक क्षेत्र में हैं। नगर पालिका अध्यक्ष रहने का भी मुझको मुजफ्फरनगर में मौका मिला 5 वर्ष तक। उसके बाद मैं तीसरी बार एमएलए हूं और सारा विषय आप देख रहे हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास युवाओं का भविष्य संवारने की, तो ऐसे में प्रदेश और अपने परिवार के बीच सामंजस्य कैसे बैठा पाते हैं? ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन करते हैं। परिवार भी इस बात के लिए अभ्यस्त हो गया है, काफ़ी सारे काम टेलीफोन पर हो जाते हैं, घर पर भी जाना होता है, ऐसा नहीं है। मेरी एक बेटी है, दो बेटे हैं, एक बेटी की शादी हो गई है, तो लेकिन परिवार कोऑपरेट करता है, उनको भी इस बात की समझ है कि हमारी व्यस्तता है और कोऑपरेट करते हैं। थोड़ा कम समय देने के बावजूद भी तालमेल परिवार में ठीक है। हाँ, उतनी जिम्मेदारी जो परिवार के प्रति होनी चाहिए वो हम नहीं दे पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे मजाक में कहते, पापा हमको भी आपसे टाइम लेना पड़ेगा, जैसे वो लोग टाइम लेने के लिए आते। लेकिन चल रहा है और परिवार भी ठीक से चल रहा है और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र भी ईश्वरी के पास से ठीक चल रहा है। उत्तर प्रदेश हमेशा चर्चा में रहता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा हैं और युवाओं पे ही जिम्मेदारी होती है सत्ता बनाने की, बिगाड़ने की, और ऐसे में युवाओं का भविष्य आपके हाथ में है, युवाओं को स्किल्ड देना और स्किल बनाकर उनको रोज़गार देना, तो ऐसे में अभी तक आपने क्या उपलब्धि पाली है? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न हमारे लिए है और एक बहुत अच्छा विषय आपने रखा है। इसमें माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका एक विज़न है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। जब हम सब पढ़ाई करते हैं, हम भी पढ़ते थे, सबको लगता है हमको नौकरी करनी है, नौकरी कैसी, सरकारी नौकरी। पर सरकारी नौकरी ना करके प्रधानमंत्री का कि नहीं, सबको हमको स्किल्ड करना है और केवल नौकरी करने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना है, यानी एंटरप्रेन्योर बनना है। उसके मेरा विभाग है, दो प्रकार का काम लोग करते हैं। एक हमारी जो आईटीआई है, व्यवसाय शिक्षा, उसमें डिफेंस सेक्टर्स के अंदर हम युवाओं को 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष की हम प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। ड्यूअल सिस्टम उसके हम शुरू किया, यानी 1 साल की ट्रेनिंग वो आईटीआई के अंदर लेगा और 1 वर्ष की ट्रेनिंग वो बड़ी इंडस्ट्री के अंदर लेगा। हम उनको जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर ले जाए ताकि उसका एक्सपीरियंस उसके अंदर हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। चूँकि आईटीआई में अभी भी उतनी लेटेस्ट मशीनें नहीं होती हैं जो इंडस्ट्री के अंदर हैं। इंडस्ट्री में जाता है तो काम करने का, सीखने का उसको मौका मिलता है, और फिर अप्रेंटिस भी हम लगातार हम कराते हैं। तो इस अभी हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारी टाटा ने एक बड़ा हमारे लिए बड़ी कृपा की है कि टाटा ने हमारे साथ माने मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, उनके संकल्प से, टाटा ने 5300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमको दिया जी। जितनी हमारी आईटीआई हैं, 303 आईटीआई हमारी इस समय वर्किंग में हैं सरकारी, उनमें 150 आईटीआई को डेवलप कर रहे हैं। उनमें पूरा एक हॉल 10,000 स्क्वायर फीट का, उसमें लेटेस्ट मशीनें रोबोट के लिए, आईटी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए, सोलर के लिए और 3D सिस्टम के लिए, और जो हमारी ये ई व्हीकल्स हैं उनके लिए, तो उनमें हम लेटेस्ट मशीनें हम डेवलप कर रहे हैं और मशीनें ला करके अपने उन बच्चों को उन पर प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, उनका ट्रेनिंग का। आज इस काम में मैं आया था, उनमें हमने बच्चों को ट्रेनिंग, टीचर्स को हमने ट्रेनिंग दी, जो हमारे निदेशक हैं उनकी ट्रेनिंग का काम चल रहा है। और ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं? टाटा के लोग, टाटा के जो ऑफिसर्स हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे अनुदेशक एक्सपर्ट होंगे, फिर बच्चों को सिखाएंगे। यानी जो लेटेस्ट आज बाजार की रिक्वायरमेंट है, अभी हम सब ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट की 35 लाख करोड़ के MOU हुए। इतनी सारी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आएंगी तो क्या सब तो बड़े ऑफिसर नहीं होते? बड़े ऑफिसर तो एक इंडस्ट्री में जो बहुत टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं वो 4, 6, 10, 20 होते हैं। बाकी जो नीचे की टीम है, जो वर्किंग टीम है, वो हमारे जो ITI से प्रशिक्षित बच्चे हैं या कौशल विकास से बच्चे प्रशिक्षित होंगे उन्हीं को रोज़गार मिलेगा। तो हमारा टारगेट है कि आने वाले समय में लगभग 1 करोड़ युवाओं को हम रोज़गार देंगे। कौशल विकास के अंदर भी डिफरेंट जो नए नए सेक्टर्स हैं उनमें हम लड़कों को, लड़कियों को, बालिकाओं को स्किल्ड कर रहे हैं, उनको हम जापानी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं। यानी अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं जाना चाहते हैं, अब्रॉड में कहीं जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। अनेक संभावना उनमें काम करने की है। बस मेरा आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट ये है कि सीखने की ललक होनी चाहिए, क्या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप सीखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और कौशल विकास एक ऐसा सेक्टर है, ITI एक ऐसा सेक्टर है जिसका प्रशिक्षित बच्चा वो खाली रह ही नहीं सकता। अपार संभावना उसमें आगे बढ़ने की है। उसको लगातार हम बच्चों को मोटिवेट करके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल ये उठता है कि जो बच्चे सीख चुके हैं उनके पास सर्टिफिकेट है, आप स्किल तो दे रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं दे रहे। अभी भी युवा और विपक्ष ये सवाल बार बार उठाता है, ऐसा क्यों है? देखो, विपक्ष तो बहुत सारे सवाल उठाता है, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। पर जो हम करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो लोग काम सीखे, सर्टिफिकेट लिया लेकिन काम नहीं सीखे, ऐसे लोग खाली हो सकते हैं। पर जिनके पास काम है, जिनका हुनर है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर को नल से जल, हर घर को पानी देना। पहले मामूली पानी 25-30 फीट का पानी होता था, आज 400-400 फीट का पानी पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। कितने लोग इस काम में लगेंगे, कितने प्लम्बर चाहिए, कितनी मैन पावर इस काम के लिए चाहिए? हम प्लम्बिंग का काम सिखा रहे हैं। तो प्लम्बिंग में जिसने काम सीखा, जिसे कनेक्शन करना, पानी देना, कनेक्शन जोड़ना जिसने सीखा है, उसको घर बैठे, गाँव के अंदर बैठे ही रोज़गार मिलेगा। चूँकि आज काम पानी कनेक्शन हुआ, पेकल टूटेगा, पाइप लीकेज होंगे, दिक्कतें आएंगी, तो काम तो लगातार मिलेगा। घर घर के अंदर सैनिटरी का काम होता है तो प्लम्बिंग की जरूरत पड़ती है। सोलर में बड़ा काम कर रहे हैं, तो जिस सोलर का काम किया तो सोलर में आप देखिए, आप ये बैटरी, मोबाइल की बैटरी से लेकर के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ सोलर पर काम कर रही हैं, गवर्नमेंट लगातार उसको मोटिवेट कर रही है। तो जो सोलर का काम सीखेगा वो खाली रह ही नहीं सकता। मोबाइल आज कौन है? रोटी इसके घर में खाने की चाहिए ना हो, लेकिन मोबाइल उसके घर में तो है। लेकिन मोबाइल है तो मोबाइल ख़राब भी होगा, उसकी रिपेयर भी होगी। हम मोबाइल का हम काम सिखा रहे हैं। 12th पास बच्चों को हमने टेली सिखाया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। जब GST लागू हुई तो GST लागू होने के बाद उनको, हर व्यक्ति को GST फाइल करनी है। वो GST भले ही जमा ना करे लेकिन GST फाइल उसको सबमिट करनी है। तो उसको छोटे छोटे अकाउंटेंट चाहिए, सब सीए नहीं रह सकते, 10,000 का, 12,000 का, 20,000 का उनको अकाउंटेंट चाहिए। एक एक अकाउंटेंट 4-6 दुकानों पर काम कर सकता है। तो ऐसे सब लोग अकाउंटेंसी हम सिखाते हैं। लड़कों को घर बैठे ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ये जो आपकी ये आर्टिफिशियल जो ये मतलब जो साज सज्जा, ब्यूटिशन, उनको हम मेहंदी का काम सिखाते हैं, सिलाई का काम सिखाते हैं। और हमारे फ्लेक्सी सिस्टम है, फ्लेक्सी सिस्टम में बड़ी बड़ी कंपनी हमसे कॉन्टैक्ट करती है, उनको हम पैसा देते हैं और वो अपने लिए लोग मैन पावर तैयार करती है। उदाहरण के आपके लखनऊ में ही रेमंड का काम चलता है, तो रेमंड का नाम तो आप जानती हैं, कितनी बड़ी रेमंड कंपनी है। तो रेमंड अपने जैसे बच्चों को तैयार करती है, लड़कियों को, महिलाओं को, युवाओं को, और अपना जो उनकी डिमांड है, उनकी डिजाइनिंग कैसे होगी, उनकी ड्रेसिंग कैसे होगी, उनकी स्टिचिंग कैसे होगी, वो सिखा करके अपने यहाँ काम देती है। अगर किसी को रेमंड में काम नहीं मिला तो रेमंड जैसी वो किसी और कंपनी में काम कर सकती जी। जो बड़ी कंपनियां हैं वो उन बच्चों को किस आधार पर हायर करती हैं जिन्होंने कौशल विकास योजना के तहत एजुकेशन ली है या फिर स्किल्ड इंपावर करी है? और मतलब क्या कोई रेशियो है कि आप हमारे बच्चों को जॉब देंगे ही इतने परसेंट, या फिर ऐसा? तो जो हमारा डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स के ऊपर चलता है, मतलब NGOs हैं वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। उनको हमने टारगेट दिया है कि अगर आपने हमारे मतलब एक NGO ने हमारे 500 बच्चों को ट्रेनिंग दी, तो 500 बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद वो कम से कम 70% बच्चों को वो जॉब भी दिलवाने का काम करेगा। उसका संबंध उन सब कंपनियों से होता है जिस टाइम मान लो किसी ने फॉर एग्जांपल सिलाई कढ़ाई में हमारे अप्रैल में काम किया, तो अप्रैल जैसे समझिए नोएडा में आप जाइए, आप कानपुर में जाइए, आप गाज़ियाबाद में जाइए, आप लखनऊ में जाइए, समथिंग कहीं भी। तो जो इस टाइप की इंडस्ट्री हैं जो अप्रैल में काम करती है, जो डिजाइन में काम करती हैं, उनसे उनका कॉन्टैक्ट है और वो वहाँ जाकर जॉब दिलवाने काम करती हैं। और उसके अलावा जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें विशेष बात यह है कि वो स्वयं का भी अपना रोज़गार कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हमको कुछ दिन हम नौकरी करें, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हमको अपना काम करना है,
हमको नौकरी देने वाला बनना है। हमको छोटी जब दुकान खोली, चार छः लोग आप क्या काम करें, उसी से धीरे धीरे आप काम बढ़ा सकते हो। प्रसिद्ध बनाना, अभी दीपावली आ रही है तो दीपावली कितनी सारी लड़ियाँ, कितनी सारी सज्जा का सामान, कितनी सारी डेकोरेशन, ये सब होती है। तो महिलाओं को हम ट्रेनिंग दिलवा करके उनको भी हम जोड़ने का काम करते हैं। तो उन महिलाओं को ऐसा कम से कम बनाएं कि अपनी, वो अभी रक्षाबंधन था तो रक्षा पर राखी बनाना, कितनी राखी की सेल होती है। तो ये सब चीज़ें महिलाएं करती हैं, बच्चे करते हैं, घर बैठे काम करते हैं और बहुत अच्छी सेल भी होती है, इनकम भी होती है और महिलाएं भी बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भर हो रही हैं। जी, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपने सही में गांव-गांव तक पहुंचाया है, लोगों के हाथों में हुनर पहुंचाया है। महिलाएं जो कि सिर्फ चूल्हा चौके तक सीमित रहती थी, वो आज व्यापार भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपना रोजगार सृजन कर रही हैं। लेकिन एक अभी भी बड़ा सवाल ये है कि जो युवा भविष्य देखते हैं कि उन्हें किसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए या फिर अगर अपने देश में ही किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए और उन्होंने स्किल भारत से जुड़कर अगर एक सर्टिफिकेट पाया है तो क्या उनके लिए आसान हो जाता है और किसी अच्छी कंपनी से जुड़ना? सबके पोर्टल हैं, सेवा योजन पोर्टल है। तो सेवा योजन पोर्टल पर क्या होता है, थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है। सेवा योजन पे मैं आपकी जानकारी के लिए बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि सेवा योजन पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन अपलोड करनी है। आप इंटरमीडिएट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप BSc हैं, आप MSc हैं, आपने BEd किया है, आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है, आप ITI हैं या पॉलिटेक्निक हैं, आप BEd आपने, BTech आपने किया, तो आपने अपलोड कर दिया या एक्सपीरियंस आप, तो सेवा योजन जब आपका अपलोड हो गया है तो उस टाइप की जब वैकेंसी निकलती है तब ऑटोमेटिक आपका उसका मैसेज आता है कि आपके पास, आपके मतलब की ये वैकेंसी है, इस कंपनी में निकली है या गवर्नमेंट में निकली है या प्राइवेट में निकली है, तो ऑटोमेटिक मैसेज आपके पास आता है और आपको अपना फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो वहाँ से अगर आप क्वालिफाई करेंगे फिर उस कंपनी की जिम्मेदारी है कितना आप जानते हैं, कितना आपने सीखा है, कितना सेक्टर के बारे में आप जानते हैं। तो ये तो फिर एक कंपटीशन का विषय है कि सबको अच्छे लोग चाहिए, तो जो अच्छे लोग होंगे, जो स्किल्ड होंगे या क्वालिफाइड लोग होंगे उनको फिर अपने यहाँ जॉब देने का काम करें। जी, 6 साल में योगी सरकार ने 6 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, ये बात हर तरफ हर कोई जानता है, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में है, ऐसा धरातल पर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, विपक्ष तो कहीं आपको दिखता नहीं है, विपक्ष के पास ये टिप्पणियां करने के अलावा कुछ है नहीं। 1,72,000 टीचर्स को बेसिक शिक्षा में बिना एक पैसा लिए, हम भी जब पढ़ते थे, कंपनी अभी जब पढ़ती होंगी, तो होता क्या था कि बच्चे तैयारी करते थे, हम सब लोग तैयारी करते थे और माता पिता को बोलते थे कि पैसे लाओ रिश्वत के, सरकारी नौकरी बिना रिश्वत के नहीं लगेगी, बिना पैसे के नहीं लगेगी। आज एक भी बच्चा नहीं कह सकता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि उसकी सरकारी नौकरी बेसिक शिक्षा में लगी हो, माध्यमिक शिक्षा में लगी हो, ITI के अंदर लगी हो, पुलिस में भर्ती हुई हो, उसने 1 रुपये की पैसा उसने डोनेशन के रूप में या घूस के रूप में देने का काम। ये बड़ी बात हुई है कि विश्वास अब बच्चों पर यह हुआ है कि भले ही हमारा नंबर ना आया हो लेकिन बेईमानी से नौकरियां नहीं लग रही हैं, एक बड़ा विश्वास। और प्राइवेट सेक्टर में ये बड़ा काम हुआ, अभी 35 लाख करोड़ के MOU अभी माननीय मुख्यमंत्री ने साइन किए, तो उनमें जितने लोग निकलेंगे लगभग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का हम काम करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में अपार संभावनाएं युवाओं को रोजगार मिलने की हैं। अभी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ नोएडा के अंदर 5 दिन का, अभी आज समापन उसका है, तो उसमें भी अपार संभावनाएं लगातार चल रही हैं। आप देखा होगा, आपकी टीम वहाँ पर गई होगी, तो उन सब ने उन सब चीज़ों को देखा है, वहाँ पे ODOP का भी बहुत सारे लोगों ने अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट बना करके वहाँ लोग गए हैं, एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ऐसे सब लोगों को गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, मार्केट प्रोवाइड कर रही है, उनको ऑनलाइन मार्केट दे रही है। Amazon जैसा पोर्टल भारत सरकार ने बनाया कि आप अपना प्रोडक्ट इसके ऊपर बेच सकते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनमें करने में गवर्नमेंट सुविधाएँ दे रही है, यानी गवर्नमेंट पूरे दिल के साथ, खुले दिल के साथ ऐसे सभी लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। जी, अभी आपने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा की बात करी है कि वहाँ पे बिना घूस के ही भर्ती हो जाती है, लेकिन जो अभ्यर्थी है उनकी भी कई परेशानियां हैं। अभी आपने BEd वाला मुद्दा भी सुना होगा, उसको लेकर भी अब प्रदर्शन चल रहा है और आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है इन करोड़ों युवाओं के लिए क्या योगी सरकार कोई कदम उठाएगी, आरक्षण ला सकती है क्या? ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय बड़ी टीम है, हमारे ऊपर भी लोग हैं, वो निर्णय करते हैं, कैबिनेट में विषय तय होते हैं, उस पर चर्चा करना मेरे द्वारा उचित नहीं है। डिमांड तो देखिए सब लोगों की है, मेरी बहुत सारी डिमांड है, डिमांड तो कभी किसी की पूरी, डिमांड तो एक परिवार का मुखिया यानी जो परिवार का पिता है बच्चों का, वो भी अपने पूरे परिवार की डिमांड पूरी नहीं कर सकता। एक पत्नी भी सारी चीज़ों के लिए अपने पति से या बच्चे भी अपने माता पिता से संतुष्ट नहीं होते, उनकी डिमांड भी हमेशा रहती है। पर सरकार ने सबके लिए काम किया है, सबके लिए कुछ ना कुछ देने का काम किया है, सबको किसी ना किसी रूप में आच्छादित करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है,
हम सब लोग भारतीय हैं, हमने धरती को भारत माता कहा है, देश की जय जयकार हो रही है, पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में भारत आज सशक्तिमान बन के खड़ा हुआ है, दुनिया की 5 महाशक्तियों में से हम लोग बन के खड़े हुए हैं, तो ये भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरा स्वार्थ यानी केवल मैं नहीं हूँ, मेरे अलावा दुनिया का और भी है जिसको हम भारत कहते हैं, और वो भारत वो लगातार प्रगति कर रहा, उन्नति कर रहा, भारत की जय जयकार हो रही है, एक उसको भी समाज में प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा कारण है, लोग राष्ट्र। और जो हमारे दो लोग हैं, माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका कोई अपना एजेंडा नहीं है, उनका अपना स्वार्थ नहीं है, उनका बेटा, उनका परिवार, उनका भाई भतीजा उसके लिए काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश के 125 करोड़ भारतीयों के लिए बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 30 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की चिंता करते हैं, यानी जो कुछ है उनकी जो पूरी है उनकी संपदा है वो उत्तर प्रदेश वासी और भारतवासी हैं, वो कुछ कम करें ज़्यादा करें थोड़ा उतना ना कर पाएं जो लोग चाहते हैं, लेकिन जितना करते हैं उनके लिए करते हैं। मोदी सरकार बड़ा कई स्कीम्स लेकर आ रही है, काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश में वो क्रियान्वित होता धरातल पर आता नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष हमेशा एक मुद्दा उठाता है कि जो गैर भाजपाई सरकार है वहां तक सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, हमें मदद नहीं देती है सरकार, आप किस तरह से देखते हैं? आप कैसी बातें करती हैं? उत्तर प्रदेश में 2014 से लेकर के 17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। केंद्र की जितनी योजनाएं थी, शौचालय की, जनधन खाते की, वे सारी योजनाएं, मकान बनाने की, पक्के मकान जो प्रधानमंत्री ने दिए, वे सारी योजनाएं श्री अखिलेश यादव जी ने इसलिए लागू नहीं की, ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें। तो ये तो बहुत ही एक्सप्रेशन है कि हमने नहीं किया, लोग करना नहीं चाहते। जो योजनाएं सरकार की है वो तो पूरे भारत के लिए बनती है, पूरे देश के लिए बनती है। अब आप देखिए, हर घर को नल से जल की योजना चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, और अगर कोई ना करना चाहे, हमारी दीदी हैं बंगाल के अंदर, वो कहती है हमको लोग योजना लागू नहीं करनी, तो करें। अखिलेश यादव जी ने कहा था जिस समय कोरोना हुआ देश के लोगों को कि हमको नहीं लगाना, ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, और लोगों को गुमराह करने का काम किया, और जब उनको भी लगा, उनको भी कोरोना हुआ, तो उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन लगाई। तो ये गुमराह करने वाला जो विषय है ये जनता सब जानती है, सब लोग होशियार हैं, गांव का व्यक्ति भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, गांव का व्यक्ति भी टेलीविज़न देखता है, वो भी व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर है, अब कोई अनाड़ी नहीं रहा है, सब लोग अवेयर हैं, सब जानते हैं विपक्ष क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, अब किसी को बहलाया और फुसलाया नहीं जा सकता, सब चीज़ हर चीज़ लोग जानते हैं, और विपक्ष के चेहरे को भी पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, समझ रहा है क्या उनका षड्यंत्र है, कैसा उनका गठबंधन है, क्या उनकी चाहत है, किस लक्ष्य को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, और गठबंधन में कौन कौन लोग हैं, उनका कैसा गठबंधन है, कैसी उनकी आपस में इंटरकनेक्टिविटी है, क्या क्या उनके एजेंडे हैं, विपक्ष को देख रहा है। आप देखिए, मुझको लगता है कि जनता बहुत अच्छे से समझ के काम कर रही है। जी, केंद्र की जो भाजपा सरकार है 9 साल उसके पूरे हो चुके हैं, और अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में महागठबंधन हुआ है, क्या लगता है जो विकास का काम किया गया है, युवाओं को इतनी योजनाएं उनको मुहैया कराई गई हैं, उसका क्या असर देखने को मिलेगा 24 में? देखिए, प्रधानमंत्री जी वोट के लिए काम नहीं करते, उन्हें गरीबों के चेहरे पर मुस्कान, गरीबों का कल्याण, उन सबके लिए प्रधानमंत्री योजनाएं बनाई, मुख्यमंत्री ने योजना बनाई, उनको धरातल पर उतारे। मैं उसकी चर्चा भी कर सकता हूँ अगर आप मुझे समय दें, लंबा विषय वो है, उनकी जानकारी सबको है। और विपक्ष कहता है कि उनको हम करेंगे या योजना नहीं हुई, सब योजना शौचालय कब आए? समाजवादी पार्टी के साथ, बसपा के साथ मनमोहन सिंह जी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी जी ने एक तरीके अप्रोक्स रूप से सरकार चलाई, उनको शौचालय याद नहीं आए, उनको घर घर बिजली के कनेक्शन याद नहीं आए, उनको गरीबों के बैंक के कनेक्शन को याद नहीं आए, उनको आयुष्मान योजना याद नहीं आई, उनको बहनों की सुरक्षा की याद नहीं आई। उत्तर प्रदेश में कितना गुंडागर्दी होती थी, कैसा गुंडाई का माहौल था, लड़कियां सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, 80 वर्ष की महिला सुरक्षित नहीं, सरेआम चरकों पर सड़कों पर उठा करके लड़कियों को उठा लिया जाता, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। तो ये सब चीज़ें कहाँ गई, गुंडे माफिया कहाँ गए, बैठ करके गुंडे माफिया IG DIG SSP DM उनके तबादले करते थे, और जो करते थे वो सरकार ही करती थी। और जो प्रशासन बदला है, सोचने का तरीका बदला है, एक विश्वास की सरकार, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर सकता हूँ कि सरकार का विश्वास कायम हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, योजनाएँ कम ज़्यादा हो सकती हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कम ज़्यादा हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसके प्रति जनता विश्वास कायम हुआ है, लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी या योगी जी काम दिल से करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, काम धरातल पर दिख रहा है,
विपक्ष धराशायी है, कोई एजेंडा उनका नहीं है। ममता जी का अलग एजेंडा वेस्ट बंगाल में है, लालू जी का और नीतीश कुमार जी का एजेंडा बिहार के अंदर अलग है, अखिलेश जी का एजेंडा अलग है उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली में केजरीवाल का एजेंडा अलग है। इनकी कोई तालमेल ही नहीं है, एक दूसरे को गाली देते हैं प्रदेशों के अंदर, केंद्र में इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। तो भानुमती कुन में जैसी स्थिति है, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कोई तालमेल का नहीं है। आप देखिए जनता इनको पहले ही झटके में इनको आउट करके बाहर निकालेगी। उत्तर प्रदेश सभी 80 सीटें भारतीय पार्टी जीते। अच्छा, केजरीवाल जिस तरह से फ्री स्कीम लेकर दिल्ली में पंजाब में चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं हमने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उत्तर प्रदेश में तो पैर नहीं जमा पाए, लेकिन महागठबंधन अगर होता है, ये एक तरफ फ्री वाली स्कीम आ गई, एक तरफ बिहार वाली स्कीम आ जाएगी, दूसरी तरफ राहुल गांधी हमेशा बीजेपी पर निशाना साधते ही रहते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर, क्या लगता है इतना बड़ा गठबंधन है, कई तरह की स्कीम्स है, कई तरह की योजनाएं हैं, लोक लुभावन वादे होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी पर कहीं हावी तो नहीं पड़ जाएगा गठबंधन का विपक्ष? मैंने आपको बताया कोई गठबंधन हावी नहीं पड़ेगा। केजरीवाल जैसा काम कर रहे हैं सबको मालूम है, किस प्रकार से उन्होंने उनके दो दो मंत्री आज भी वर्तमान में जेल के अंदर हैं, भ्रष्टाचार में जेल में, तो उनको तो इन सब बातों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल जैसी सरकार चला रहे हैं, आपने राहुल गांधी की चर्चा की, अब राहुल गांधी जी कुली बन करके सिर पे वो रखते हैं एक बैग जिसके पहिए भी आगे की तरफ हैं, जिसमें कभी आपने देखा है जिसके जो रोल्स होते हैं जिसको हम स्लीपर करके लेके जा सकते हैं, उसको कोई कुली सिर के ऊपर रखता गया। अब राहुल गांधी जिनके पास इस प्रकार का विजन हो, जिनको ये भी नहीं पता कुली भी कैसे बना, कुली बनने की नौटंकी भी कैसे करनी है, वो बैग भी सिर के ऊपर कैसे रखना है, ऐसे व्यक्ति से आप क्या प्रधानमंत्री बनने की आप कल्पना कर सकते हो? मैं तो चाहता हूँ राहुल गांधी इसी प्रकार से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे, ऐसा ही भारतीय पार्टी को आशीर्वाद देते रहे, भगवान उनके ऊपर इसी प्रकार से कृपा बनाए रखे। लेकिन जब महंगाई बढ़ी थी, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, तब राहुल गांधी किसानों से और सब्जी विक्रेताओं से मिलने भी पहुंचे थे और कहीं ना कहीं सहानुभूति जताई थी, उसका असर भी तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है। कोई मुद्दा नहीं है, देखो जी कोई मुद्दा नहीं है, थोड़ी सी मौसम के हिसाब से कुछ थोड़ी सी कभी कभी डाउन, पर महंगाई नियंत्रण में है। तेल हो, खाद्यान्न हो, चावल हो, गेहूँ हो, कपड़ा हो, जो आम मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो 100% नियंत्रण में है, कहीं कोई महंगाई नहीं है, कहीं कोई आवाज़ नहीं। विपक्ष के लोग थोड़ा बहुत हौला करते हैं और वो जनता में भाई उनके 150 कार्यकर्ता वो खत्म हो जाता है, जनता में कोई आवाज़ नहीं है। जनता में सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जनता के लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उनकी स्वयं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उनका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। क्या देश नहीं देख रहा कि जब देश के अंदर हाहाकार मच रहा था, जिसमें कोरोना देश के अंदर आया, और जब ये अखिलेश यादव जी जैसे लोग वैक्सीन लगाने के लिए मना कर रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी शानदार एक दो वैक्सीन ईजाद करने का काम किया, और केवल भारत को नहीं पूरी दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण देशों को हमने वैक्सीन देने का, ये भारत के लोग नहीं जानते क्या? तो महंगाई देखेंगे पहले जीवन देखेंगे। एक अंतिम सवाल ये कि रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है सरकार, युवाओं को स्किल्ड बना रही है, लेकिन अगर बात करी जाए पकौड़ी तलने वाले बयान भी प्रधानमंत्री के खूब वायरल होते हैं और विपक्ष इसको लेकर भी निशाना साधता है। आज के टाइम पे तो युवा भी MBA चाय वाला, BTech चाय वाला, समोसे वाला, इस तरीके के जो स्टॉल्स देखने को मिलते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब सोशेबाजी होती है, पॉलिटिक्स में सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता है जी। पर हमारा कहना ये पकौड़े बनाना कोई खराब चीज़ तो है नहीं, पकौड़े भी लोग बनाते ही हैं, लेकिन डिग्री लेकर पकौड़े भी लोग बनाते ही हैं और हमारे ही लोग हैं जो पकौड़े बनाते हैं, और बहुत सारी शॉप्स है। अभी आपके यहाँ शर्मा चाय वाला है, मुझको लगता है सुबह शाम तो 50,000 रुपये की चाय बेचता होगा, लोग पूरे प्रदेश के लोग आते हैं चाय पीने के लिए। यही तो सवाल होता है कि आप डिग्री लेकर पकौड़े और चाय बेचेंगे, इसमें कहीं पैमाना नहीं है, कोई आदमी कोई काम है, कोई आदमी कुछ भी काम कर सकता है, ऐसा कोई पैमाना नहीं है, डिग्री वाला भी कर सकता है, नॉन डिग्री वाला भी कर सकता है। हमने कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके और अपना बिजनेस शुरू किया, अपना काम स्टार्ट किया, तो इसमें कोई नहीं। जो लोग इसको मोटिवेट करके खराब करना चाहते हैं वो युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि कोई व्यक्ति कुछ भी करे, चोरी नहीं करनी है, बेईमाना नहीं करना है, धोखा नहीं करना है, व्यापार व्यवसाय कुछ भी करो उसमें आपका सम्मान बढ़ेगा जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार योजनाएं उनको स्किल्ड बनाने के लिए चला तो रहे हैं, लेकिन वो कैसे जुड़ सकते हैं आपकी योजनाओं से, सरकार की योजनाओं से, और कैसे वो अपना भविष्य सवार सकते हैं? देखिए मैंने आपको कहा युवाओं से एक तो स्टडी, पढ़ाई एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नौकरी का विषय नहीं है, हम पढ़ेंगे स्टडी करेंगे टॉपिक की हमको जानकारी मिलेगी तो हम किसी भी फील्ड में अपना स्थान बना सकते हैं, हम जहाँ भी खड़े। एक मजदूर भी बढ़िया गाना गा सकता है, एक चिनाई करने वाला भी बढ़िया सिंगर हो सकता है,
तो हमारी अगर प्रतिभा हमारे अंदर है तो हमको प्रतिभा को अपनी उसका प्रदर्शन करना और प्रतिभा को गेन करना, तो हमको प्रतिभा के लिए हमको पढ़ाई के साथ हमको स्किल्ड होने के साथ यानी कुछ चीज़ उससे हमारे अंदर हुनर चाहिए। अगर हमारे हाथ में हुनर है तो कोई भी व्यक्ति खाली रह ही नहीं सकता। अगर आपको एक अच्छी आपको अपने सूट आपको सिलवाना है या आपको कोट आपको सिलवाना है तो आप ढूंढेंगे अच्छा टेलर कौन है, तो लखनऊ के अंदर कहाँ भी बैठता है आप वहीं उसके पास जाएंगे, मेरा ये सूट सिलना है, उसने कहा मुझे 15 दिन में चाहिए, उन्हें कहने में तो 1 महीने में दूंगा, तो आप उसे सौदेबाजी करेंगे भाई 1 महीना नहीं आया 25 दिन में चलो हमको दे दो, तो 10 दिन का आप भी वेट करेंगे, क्यों? चूँकि वो बढ़िया टेलर है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि हुनर हमारे हाथ में होगा तो खाली नहीं रह सकते। और बहुत बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी लगातार ऐसे युवाओं को युवतियों को बेटियों को लगातार संरक्षण देकर के मोटिवेट करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और चर्चा करने के लिए। जी आपका धन्यवाद है, आपका भी धन्यवाद है, पूरे चैनल का धन्यवाद। तो हमारे साथ कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी जुड़े थे, जिनसे हमने चर्चा करी कि किस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं और किस तरह से जो विपक्ष निशाना साधता है उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आज की खबर।